Hello, my dear students. 6th class, knowing our number, subject maths. This is part 3 by Ramandeep. Today our topic is formation of number. आज हम बात करेंगे कि हम numbers को किस तरीके से form कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं. Smallest and greatest natural number. जैसा कि हमने part 1 में देखा था, natural numbers are started from 1, 2, 3 and so on. तो सबसे smallest digit, सबसे smallest number is 1. And जैसा कि हमें पता है, numbers काफी ज़्यादा होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 digit numbers के बारे में, then हम बात करेंगे 2nd digit numbers के बारे में, then 3rd digit numbers, 4 digit numbers, and in the last we talk about 5 digits number. तो first digit number में जो smallest number है वो 1 है and the greatest number is 9. Similarly, in 2 digit number smallest number is 10 and the greatest number is 99. Similarly, in 3 digit number the smallest number is 100 means 100 and the greatest number is 999, that is 999. Similarly, in 4 digit numbers the smallest natural number is 1000, that is 1000, and the greatest number is 9999, that is 9999. Similarly, in 5 digit numbers the smallest natural number is 10000, that is 10,000, and similarly the greatest natural number is 5 times 9, that is 99,999. अब हम बात करेंगे repetition, where in number repetition is allowed and repetition is not allowed. Repetition is allowed and repetition is not allowed. Repetition means किसी भी number का repeat हो जाना या किसी भी digit का repeat हो जाना. मैं इसे एक example के through बताता हूँ. जैसे कि अगर मुझे बनाना हो 2 digit number 2 and 5, तो अगर यहाँ पर repetition allowed है, that means हमारा जो answer होगा वो क्या होगा, like 2 22, 5, 25, 5, 2, 52, and 5, 5, 55. Here repetition is allowed. तभी हम लिख पा रहे हैं 22 and 55, क्योंकि यहाँ digits का repetition allowed है. अब अगर हम बात करें repetition is not allowed, same example लेंगे like 2 and 5. डिजिट का यूज करके आपको क्या बनाना है, 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो यहां आंसर रहेगा 2525 एंड 5252. यहां आप 22 एंड 55 नहीं लिखेंगे, बिकॉज़ हियर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं. हम यहां एग्जांपल से समझेंगे. Write all possible 2 digit numbers that can be formed by using digits 2, 7 and 9. Yeah, iske 2 parts karenge hum. First part mein hum dekhenge repetition of digits is not allowed, and second part mein dekhenge repetition of digits is allowed. Sabse pehle hum 2 digit wale example lenge, and uske baad hum 3 digit, 4 digit and 5 digit ke bare mein dekhenge. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसा ब्लॉक बनाना है. सबसे पहले जैसा कि हमें पता है 2 डिजिट नंबर में सिर्फ हम एक वंस लिखेंगे और सेकंड में हम क्या लिखेंगे, टेंस लिखेंगे. जैसा कि हमारे पास कितने डिजिट हैं, 2 7 एंड 9, यहां हम इसके पॉसिबल पेयर बना लेंगे लाइक 2 7 2 9 एंड 7 एंड 9.
सेवन एंड नाइन। तो इन तीन पेयर से हम कितने डिजिट्स बना, कितने नंबर्स बना सकते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम लिखेंगे टू सेवन एंड व्हेन वी रिवर्स दिस डिजिट्स देन वी गेट सेवन टू, दिस इज 27 एंड दिस इज 72। टेक द सेकेंड पेयर टू नाइन एंड आफ्टर रिवर्सिंग दिस डिजिट्स देन नाइन टू, दिस इज 29 एंड दिस इज 92। सिमिलरली द लास्ट पेयर सेवन नाइन एंड आफ्टर रिवर्सिंग दिस नाइन सेवन, दिस इज 79 एंड दिस इज 97। जैसा कि हमने देखा रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड हेयर, हमने किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं किया है, तो हमारे फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 27, 72, 29, 92, 79 एंड 97। दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट वेयर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर हम बात करें व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ, अगर हम बात करें कि रिपीटेशन को अलाउ कर दिया जाता है, तब ये जो टू डिजिट है ये टू टाइम्स रिपीट होगा, दैट बिकम 22 एंड सेवन रिपीट होगा, दैट इज 77 एंड सिमिलरली नाइन इज ऑल्सो रिपीट 99। तब हमारे सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा दैट इज 27, 72, 29, 92, 79, 97 एंड दीज थ्री नंबर्स इन विच रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, दैट मीन्स 22, 77 एंड 99। इस तरीके से हमने देखा टू डिजिट नंबर को हम किस तरीके से बनाएंगे। आइए अब हम थ्री डिजिट को देखते हैं। आइए अब हम दो टू डिजिट के बाद थ्री डिजिट नंबर्स के बारे में देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स डेट कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट्स 7, 3 एंड 0। ईच डिजिट यूज ओनली वंस, आपको हर डिजिट को एक ही बार यूज करना है। इस क्वेश्चन में अलग चीज क्या है, दैट इज 0। यहाँ हम 0 के बारे में देखेंगे। अगर आपको एक नंबर बनाना है और वो नंबर थ्री डिजिट नंबर्स के अंदर है, तो आइए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था टू डिजिट नंबर में, सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट वंस, देन सेकेंड प्लेस फॉर टेंस एंड द थर्ड प्लेस फॉर हंड्रेड्स, बिकॉज दिस इज थ्री डिजिट नंबर। तो हमारे पास जो डिजिट हैं वो क्या है, 7, 3 एंड 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 0 हेयर एंड आफ्टर दैट वी हैव ओनली टू डिजिट 7, 3। तो हम इसे क्या लिख पाएंगे, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 7, 3 एंड इसी को रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा, 3 एंड 7। हम यहाँ 0 को प्लेस कर देते हैं। सिमिलरली सबसे पहले हमने 0 को कहाँ लिखा, वंस प्लेस पे। अब हम 0 को कहाँ लिखेंगे, टेंस प्लेस पे। तो हमारे पास 0 के बाद कौन से डिजिट रहे, 7 एंड 3। तो हम सिमिलरली जैसे हमने पहले किया 7, 3 एंड रिवर्स करने के बाद 3, 7 लिख सकते हैं। तो हमारा जो ये नंबर बना थ्री डिजिट नंबर, दैट इज 730 एंड दिस इज 370, दिस इज 703 एंड दिस इज 307। जैसा कि हमने 0 को सबसे पहले रखा वंस प्लेस पे, देन रखा टेंस प्लेस पे, अब हम अगर इसको हंड्रेड प्लेस पे रखते हैं तो ये नंबर कुछ इस तरीके से बनेगा, 0, 7, 3 एंड 0, 3, 7। और हमें पता है कि ये जो नंबर बना है हमारे पास, ये थ्री डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस 0 को हटा दूं, दैट इज 73 एंड दिस इज 37 एंड दीज टू नंबर्स आर टू डिजिट्स नंबर। इसका मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इन्हें थ्री डिजिट नंबर में काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हुआ, आंसर किस चीज का, द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर That can be formed by the digits 7, 3 and 0 are 730, 370, 703 and 300 are and 7. This is our answer.
जैसा कि आप समझ गए होंगे, हमें जीरो को हंड्रेड प्लेस पर पुट नहीं करना है। अगर हमने इसको हंड्रेड प्लेस पे पुट किया तो ये थ्री डिजिट न रह के टू डिजिट हो जाएगा। आइए अब हम एग्जांपल थ्री देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स डेट कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट्स 3, 7, 8 एंड 1 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में टू डिजिट के बारे में जाना था, देन सेकेंड एग्जाम्पल में हमने थ्री डिजिट के बारे में देखा, अब हम फोर डिजिट के बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दो नंबर देखने हैं, द फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट एंड द सेकेंड वन इज स्मॉलेस्ट। तो हम क्या करते हैं, पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, टू डिजिट में आपको टू ब्लॉक्स बनाने हैं एंड थ्री में थ्री एंड फोर डिजिट में आपको फोर ब्लॉक बनाने हैं। सिमिलरली स्मॉलेस्ट में भी ऐसा करने से आप इसे आसानी से बना पाएंगे। जैसा कि हमारे पास डिजिट्स कौन से हैं, हमारे पास डिजिट हैं 3, 7, 8 एंड 1। इन फोर डिजिट्स का यूज़ करके हमें फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो जैसा कि हमें पता है, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड प्लेस एंड दिस इज थाउजेंड प्लेस। दिस इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस। तो यहाँ जिसका एज गिवन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज Not allowed, and for the greatest four digit number, the digit in the thousands place has to be greatest, and for the smallest number, the thousandth place will be smallest. जैसा कि हम इस digits में देख पा रहे हैं, सबसे जो बड़ा digit है वो हमारे पास 8 है। तो greatest बनाने के लिए इस 8 को कहाँ place किया जाएगा, thousands place पे, and then 7 को प्लेस किया जाएगा हंड्रेड्स प्लेस पे, एंड 3 को प्लेस किया जाएगा टेंस प्लेस पे, एंड 1 को प्लेस किया जाएगा वंस प्लेस पे। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर हुआ फोर डिजिट नंबर का, दैट इज 8731। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में, स्मॉलेस्ट में जो थाउजेंड्स प्लेस पे होगा वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, जो कि 1 है। तो हम यहाँ प्लेस करेंगे 1 को, फिर हम प्लेस करेंगे 3 को, फिर 7 एंड उसके बाद क्या आएगा 8। तो हमारा जो आंसर है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 1378। जैसा कि हमने फोर डिजिट का देखा, अब हम बात करेंगे फाइव डिजिट। अब हम देखेंगे फाइव डिजिट नंबर के बारे में। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर हैविंग थ्री डिफरेंट डिजिट। अब हमें ना तो डिजिट बताया है और हमें क्या बनाने के लिए बोला है, फाइव डिजिट नंबर एंड थ्री डिजिट्स का यूज़ करना है। जैसा कि हमें पता है जो ग्रेटेस्ट डिजिट होता है वो हमारे पास 9 है, एंड उसके बाद 8 है, और उसके बाद क्या है हमारे पास 7 है। अब हमें क्या बोला गया है, फाइव डिजिट का बनाना है और हमारे पास डिजिट कितने हैं 3। इसका मतलब यहाँ पर अब मुझे रिपीटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है ग्रेटेस्ट के लिए जो हमारा ये लास्ट डिजिट रहता है ये सबसे बड़ा होना चाहिए, दिस इज 9। अब हमारे पास टू डिजिट और रहते हैं और यहाँ पर टू ब्लैंक और हैं, तो हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट बनाने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट का ही यूज़ करेंगे, एंड आफ्टर डैट हम लिखेंगे 8 एंड आफ्टर डैट लिखेंगे हम 7। इस प्रकार से दिस इज आवर फाइव डिजिट नंबर हैविंग थ्री डिफरेंट डिजिट। जैसे कि हमने देखा कि हमने यहाँ कितने डिजिट का यूज़ किया है, सिर्फ थ्री डिजिट का यूज़ किया है, 9, 8 एंड 7, और हमारा ये फाइव डिजिट नंबर बन गया। सिमिलरली अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर के बारे में, अब स्मॉलेस्ट में हम क्या लेंगे, हमारे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या रहता है, 1 एंड 2, और हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 0 का भी। जैसा कि हमें पता है स्मॉलेस्ट बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे दोबारा लिखें, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस,
दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड, दिस इज 10,000. इसका मतलब 10,000 प्लेस पे हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आएगा, दैट इज 1. अब हमें क्या करना है, सिर्फ यूज करना है थ्री डिजिट्स का ही. तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, 0, देन 0, 0 एंड लास्ट में हम किसका यूज करेंगे, 2 का. दिस इज आवर थ्री, दिस इज आवर फाइव डिजिट नंबर यूजिंग थ्री डिफरेंट डिजिट. इसी तरीके से हम एक लास्ट एग्जाम्पल को देखेंगे. अब हम लास्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिसमें हम ट्वाइस, जो एक डिजिट होगा उसको ट्वाइस या थ्राइस बार भी यूज किया जा सकता है, हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. हमें क्या बनाना है, फाइव डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस. हम एक किसी भी डिजिट को ट्वाइस दो बार यूज कर सकते हैं. फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, कौन से डिजिट का यूज करके, 3, 2, 0, 7, 6, 5 एंड 9. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट कौन से हैं. जैसे अगर हम बात करें 0, 2, 3 एंड आफ्टर दैट देर इज 5, देन 6, 7 एंड 9 विल कम. तो जैसा कि हमें पता है, मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, आप यहाँ 0 का यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये 5 डिजिट का ना होके 4 डिजिट का हो जाएगा. सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये वंस प्लेस है, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड एंड दिस इज 10, दिस इज 10,000. तो सबसे पहले हमें अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो इन डिजिट्स में से 0 का हम यूज कर नहीं सकते. तो सबसे पहले हमें किसका लिखना, कौन सा डिजिट लिखना पड़ेगा, 2. एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज एनी अदर डिजिट. जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हमें डिजिट कोई भी ट्वाइस यूज कर सकते हैं. तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स 0 लगा देंगे. एंड आफ्टर दैट वी राइट 3 एंड देन वी राइट 5. ये हमारा आंसर हुआ. आंसर क्या हुआ हमारा, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 20035, दैट इज 20,035. इस तरीके से आज हमने फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स बनाना सीखा. इसी तरीके से आपको आपका होम असाइनमेंट पोस्ट जाएगा और आप उसे सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच.